हेलो टेक्नो ऑडिटर्स, आज हम लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है सिंगल साइन ऑन। ये नाम आपने सुना होगा, सिंगल साइन ऑन, तो ये नाम से समझ में आ रहा होगा कि एक बार साइन इन करना है और हम फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर साइन इन कर सकते हैं। एक जगह साइन इन करने से बहुत सारी जगह साइन इन किया जा सकता है। अब ये चीज़ आप हमेशा यूज़ करते आ रहे हैं। इनफैक्ट इस वेबसाइट prokhata.com पे भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है जिसमें आप इसको यूज़ करे होंगे, इसको देखे होंगे। चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ, आप जैसे ही देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या होता है। तो आप जब भी prokhata.com पर साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा ईमेल पासवर्ड का, उसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा साइन इन विथ गूगल। तो अगर आप गूगल में साइन इन होंगे अपने कंप्यूटर पर ऑलरेडी, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इस वेबसाइट पे prokhata पर भी साइन इन कर सकते हैं। मतलब आपको कोई आईडी, कोई पासवर्ड पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो फैसिलिटी होती है इसी को बोलते हैं सिंगल साइन ऑन। तो सिंगल साइन ऑन, एक जगह साइन इन करना है और आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर साइन इन मिल जाएगा। तो ये कैसे होता है? ये गूगल जो है वो API प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम ये दोनों को कनेक्ट करते हैं। गूगल के जिसमें गूगल में जो आपने आईडी पासवर्ड पुट किए होंगे उसकी मदद से आप हमारी वेबसाइट पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो आईडी तो आपको यहाँ गूगल हमें प्रोवाइड कर देता है पर पासवर्ड वो प्रोवाइड नहीं करता है। आपका पासवर्ड सेफ रहता है, जो गूगल में आपका पासवर्ड यूज़ हो रहा होगा वो आपका वहीं पे ही यूज़ होगा, वो API के थ्रू सर्कुलेट नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑथेंटिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है गूगल के द्वारा ताकि आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ होती कैसे है? ये सारी चीज़ होती है जैसे हमने फायरबेस यूज़ किया है, फायरबेस prokhata का जो सर्वर है वो फायरबेस को यूज़ करता है और फायरबेस में ये ऑप्शंस रहते हैं साइन इन मेथड के। तो देखिए, अब नेटिव प्रोवाइडर्स तो क्या हो गए, ईमेल पासवर्ड, ईमेल आईडी या पासवर्ड है तो वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं और उस एनोनिमस एक ऑप्शन होता है। उसके बाद एडिशनल प्रोवाइडर्स में देखिए कौन कौन ये जो सिंगल साइन ऑन की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। तो ये है गूगल, फेसबुक, प्ले गेम्स, गेम सेंटर, एप्पल, गिटहब, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, याहू। मतलब यहाँ पे अगर किसी में भी अगर आप लॉग इन होंगे तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी लॉग इन कर सकते हैं इन लोगों की मदद से। अब ये क्या होता है, ये ओपन ऑथराइजेशन बोला जाता है इसको, ओपन ऑथराइजेशन। इसमें पासवर्ड नहीं शेयर हो रहा है आपका, ये कोई भी प्लेटफॉर्म्स में आपके जो भी पासवर्ड होंगे वो वहीं पे ही सिक्योर्ड रहेंगे। वो आपके वहाँ पे जैसे आप prokhata को शेयर नहीं करेंगे, आप जब भी ये आप इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो आपके वहाँ के जो पासवर्ड है वो शेयर नहीं होते, तो आप सिक्योर फील कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ भी चीज़ लीक नहीं होता है, डाटा लीक। अब हो क्या रहा है कि खाली उन लोग ऑथेंटिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो गूगल जो API है वो ऑथेंटिकेट कर देता है और आप हमारी वेबसाइट पे लॉग इन हो जाते हैं। तो वैसे ही ये गूगल है, फेसबुक है और इस तरीके से बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, इसको ओपन ऑथ, वो ऑथ करके नाम आता है, देखेंगे हम क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड। तो वो ये सर्विस यूज़ करके हम सिंगल साइन ऑन प्रोवाइड करते हैं। वैसे और भी कस्टम प्रोवाइडर्स भी होते हैं जिसमें कि ओपन आईडी कनेक्ट है, SAML है, इस तरीके से और भी ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू ये सिंगल साइन ऑन की फैसिलिटी की जाती है। तो ये तो था एक इंट्रो की क्या होता है। आपने एक लाइव देखा जिसको हमने अपनी मेरी वेबसाइट में किस तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं वो मैंने आपको दिखाया, और वही चीज़ अब आप इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि आखिर क्या होता है। तो देखिए, सिंगल साइन ऑन, अ यूज़र प्रोवाइड्स वन आईडी एंड पासवर्ड पर वर्क सेशन। तो एक बार उसने गूगल का जैसे आईडी पासवर्ड लॉगिन कर लिया है तो एंड इज़ ऑटोमेटिकली लॉग्ड ऑन टू ऑल द रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस, तो उसकी मदद से वो जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सब पे लॉगिन कर सकता है। तो अब आपको ये लाइन एकदम क्लियर हो गई होगी जब आपने इसको लाइव देख लिया है, और आपको जब भी ये सिंगल साइन ऑन नाम याद आए तो आपको prokhata याद आना चाहिए, prokhata की इमेज बननी चाहिए और वहाँ पे सिंगल साइन इन विद गूगल का जो ऑप्शन है वो आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे ही आप ये इमेजिन करेंगे आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी याद आ जाएगी, आखिर अच्छा ये होता क्या है, कैसे काम करता है। अब देखिए इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है, एडवांटेज ऑफ सिंगल साइन ऑन इज दैट इट प्रोवाइड्स ईजियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चेंजिंग और डिलीटिंग पासवर्ड। तो अब आपको prokhata का पासवर्ड याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो गूगल का जो आपका आईडी पासवर्ड है वही याद करना है और वो आपको याद रहता ही है ऑब्वियस, क्योंकि आप हर जगह यूज़ कर रहे हो, अपने मोबाइल के एंड्रॉइड में भी वही यूज़ कर रहे हो और दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी वही यूज़ करते हो, तो आपको वही बस मैनेज करना है, बाकी दूसरे पासवर्ड्स मैनेज करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि प्रोवाइड्स सिंगल ऑथेंटिकेशन फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन। अब क्या हुआ कि अगर आपकी गूगल की आईडी हैक हो गई, अब गूगल की आईडी हैक हो गई तो अगर वो आईडी हैक हो गई है तो मतलब आप कहीं कोई भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स एक्सेस नहीं कर पाएंगे, मतलब prokhata भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी गूगल की आईडी हैक हो गई है। तो सिंगल ऑथेंटिकेशन फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होने के कारण ये क्या, इसका इससे क्या होता है, मे लीड टू रिस्क ऑफ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। डिसएडवांटेज में भी दो चीज़ बोल रही है कि पहले तो क्या होएगा कि सिंगल ऑथेंटिकेशन फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन होने के कारण ये एक वीकनेस है,
क्योंकि एक ही ऑथेंटिकेशन से बहुत सारी जगह लॉगिन किया जा रहा है, ये एक वीकनेस है। अब इस वीकनेस के कारण क्या होने वाला है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होने वाला है, कि उसके कारण फिर हम कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला प्रेफरेंस किसको देना है, पहला प्रेफरेंस देना है कि ऑथेंटिकेशन सिंगल होने के कारण मल्टीपल एप्लीकेशन पे ये एक बहुत बड़ा वीकनेस है, इसको पहला प्रेफरेंस देना है। और सेकंड प्रेफरेंस देना है कि उसके कारण क्या होगा कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाएगा। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होना एक सेकेंडरी उसमें कारण होता है, जिस जो कि डिपेंडेंट है उसके वीकनेस के ऊपर। अभी ये देखिए चार लाइन को मैंने एकदम डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इस पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तब हम समझेंगे इसको। उसके बाद इस पे आता है एक एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी नाम आपने सुने होंगे विंडोज़ में होता है, विंडोज़ सर्वर पे यूजुअली यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप अगर आपके ऑफिस पे एक सर्वर है जो कि विंडोज़ सर्वर है और बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जितने भी आपके ऑफिस में जो क्लाइंट्स पीसीज है, अब उसमें क्या होता है कई बार एक विंडो सर्वर इंस्टॉल किया जाता है और बाकी जगह वो सारे क्लाइंट्स इंस्टॉल किए जाते हैं। तो इस तरीके का फ्रेमवर्क भी यूज़ किया जाता है कई ऑर्गेनाइजेशन पे जहाँ पे सर्वर यूज़ होता है। अब देखिए सर्वर हम नाम खाली उसका होस्ट नेम सर्वर रख देंगे तो वो सर्वर नहीं हो जाएगा। विंडोज़ का सर्वर आर्किटेक्चर वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो इंस्टॉल होता है और फिर बाकी में क्लाइंट्स इंस्टॉल होते हैं। तो उस तरीके का एक आर्किटेक्चर रहता है एक ऑफिस का और उसमें ये एक्टिव डायरेक्टरी मेजरली यूज़ करी जाती है। वैसे तो आपके कंप्यूटर में भी ये एक्टिव डायरेक्टरी मिल जाएगी। एक्टिव डायरेक्टरी से ही आप जैसे अगर आप यूज़र्स बनाते हैं अलग अलग विंडोज़ में, जैसे रजत नाम से मैंने यूज़र बनाया और लॉगिन कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ कुछ चीज़ों का एक्सेस है। फिर अगर कोई दूसरा पर्सन मेरा कंप्यूटर एक्सेस कर रहा है तो उसके लिए कोई दूसरी आईडी है, गेस्ट आईडी रहती है, तो उसके लिए कुछ कुछ एक्सेस मिलता है, बाकी चीज़ों का एक्सेस हम रोक देते हैं। तो इस तरीके से आप एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू मैनेज करते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या काम कर रहा है, ऑथेंटिकेट करता है और ऑथराइज करता है यूजर्स एंड द कंप्यूटर्स इन अ विंडोज डोमेन टाइप नेटवर्क, असाइनिंग एंड एनफोर्सिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज फॉर ऑल कंप्यूटर्स एंड इंस्टॉलिंग और अपडेटिंग सॉफ्टवेयर। अब होता क्या है कि यहाँ पे ग्रुप पॉलिसीज़ भी बनाई जाती है, जैसे कि सर्वर में एक ग्रुप पॉलिसीज़ बना दी गई है कि जब भी कोई विंडोज़ का अपडेट आएगा, सिक्योरिटी पैच आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सब में अपडेट कर देगा। मतलब एक एक कंप्यूटर में जा जाके हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर देगा। अब इसमें ग्रुप पॉलिसीज़ में ऐसे तरीके का बनाया जाता है कि एक एक करके सबको करे वो, एक साथ अपडेट आया एक ही टाइम पे, जैसे 10 बजे अपडेट रिलीज़ हुआ तो 10 बजे अगर सारे कंप्यूटर में अपडेट होना चालू हो जाए तो इतना ज़्यादा नेटवर्क यूज़ करेगा, वो डाटा यूज़ करेगा, तो हमारा जो ऑफिस का जो वर्क है वो डैमेज हो सकता है। इसलिए इसमें उस तरीके के नियम भी बनाए जाते हैं कि आप एक एक घंटे के गैप में अपडेट करना है या नाइट में अपडेट करना है, डे में नहीं करना है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे पॉलिसीज भी यहाँ पे तैयार किए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कर्बोरोज। कर्बोरोज ये एक समझ लो ऑथेंटिकेशन टेक्निक है। अब यहाँ पे सिंगल साइन ऑन तो हम जो एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये आता है कर्बोरोज। कर्बोरोज एक ऑथेंटिकेशन टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि टिकट ग्रांटिंग सर्विस यूज़ करी जाती है। अब इसको एकदम सिंपल वे पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे दो लोगों को कनेक्ट करना है, जैसे कि हमारे ऑफिस में ही अगर हमें दो पीसीज को कनेक्ट करना है और एक को ग्रांट करना है कि इसके पास प्रिंटर का राइट्स रहेगा, ये प्रिंटिंग वगैरह करेगा, तो उसके लिए क्या होगा कि वो वहाँ पे जब लॉगिन करेंगे तो उस तरीके से एनक्रिप्टिंग सर्विसेज यूज़ करी जाती है जिसमें कि टिकट्स एक दूसरे को इशू किए जाते हैं, जिसकी मदद से यहाँ पे आप अगर एक बार प्रिंटर को एक्सेस कर लेते हैं तो वो दिन भर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके कैशे में वो चीज़ें पड़ी हुई रहती हैं जिसकी मदद से अब वो साइन इन माना जाता है, ऑथराइज्ड माना जाता है, ऑथेंटिकेटेड माना जाता है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए अब इसको दूसरे एग्जांपल से देखते हैं, अगर आप प्रोखाता की वेबसाइट यूज़ करते हैं तो आपने एक बार लॉगिन किया, अब आपने मोबाइल में आपने लॉगिन किया है या पीसी पे लॉगिन किया है, तो एक बार आपने लॉगिन कर लिया तो फुल डे आप लॉग्ड इन रहेंगे, वहाँ पे अपने आप लॉगआउट नहीं हो जाते। भले आप ब्राउज़र बंद कर देते हैं फिर से साइन इन करते हैं तो भी आप लॉग्ड इन रहेंगे। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि जो ऑथेंटिकेशन टेक्निक यूज़ करी जाती है जिसमें कि एक टिकट्स इशू किया जाता है वो आपकी कुकीज़ में कैशे में सेव हो जाती है, जिसकी मदद से वो बार बार ऑथराइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये काम होता है कर्बोरोज का। अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारी प्रोखाता की वेबसाइट से। तो कर्बोरोज इज एन ऑथेंटिकेशन सर्विस विच इज़ यूज्ड इन वैलिडेटिंग सर्विसेज एंड यूजर्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर एनवायरनमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ यूज़ किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में यूज़ किया जाता है। मतलब सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट में यूज़ नहीं किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में, जहाँ पे सर्वर और क्लाइंट दोनों को एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करवाने की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ ये मैं ही सर्वर हूँ या फिर क्लाइंट है वो बोलेगा हाँ मैं ही क्लाइंट हूँ। तो इस तरीके का जहाँ आर्किटेक्चर रहता है वहाँ पे कर्बोरोज हम यूज़ करते हैं। प्राइमरी यूज इज टू वेरीफाई दैट यूजर्स आर हु दे क्लेम टू बी एंड द नेटवर्क कंपोनेंट दे यूज आर कंटेन्ड विद इन देयर परमिशन प्रोफाइल। अब देखिए अब ये परमिशन प्रोफाइल
का जो कंसेप्ट है उसको भी हम समझते हैं। जैसे कि हमारे वेबसाइट पे ही चलते हैं, वेबसाइट पे अगर कोई न्यू यूज़र रजिस्टर होता है तो यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पे रोल असाइन किया जाता है। जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम जब अगर वेबसाइट पे अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को, तो आप एज अ स्टूडेंट रजिस्टर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक रोल की प्रोफाइल है, स्टूडेंट प्रोफाइल। फिर यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रोफाइल्स हैं, यहाँ पे SEO एडिटर, SEO मैनेजर, एनोनिमस शॉप मैनेजर, कस्टमर, इंस्ट्रक्टर। मतलब यहाँ पे अगर आप कोई टीचर, अगर कोई यहाँ पे इस साइट पे कोई टीचर रजिस्टर होना चाहता है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर रोल के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। फिर वो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर वाले जैसे कोर्स बनाना, क्विज बनाना, ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है और यहाँ पे अपने कोर्स को लॉन्च करके सेल कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्टर के मॉड्यूल को यूज़ करना पड़ेगा। स्टूडेंट में मैंने बता दिया, जैसे अगर आप रजिस्टर करेंगे तो आप स्टूडेंट बन के ही होते हैं। फिर सब्सक्राइबर, जैसे फोरम्स वगैरह में अगर कोई सब्सक्राइब करता है, ब्लॉग्स में अगर कोई सब्सक्राइब करता है तो वो सब्सक्राइबर बन जाता है। कंट्रीब्यूटर, ऑथर, अगर कोई ब्लॉग पोस्ट लिखता है वेबसाइट पे आके तो वो ऑथर है, एडिटर है। फिर एडमिनिस्ट्रेटर है, जैसे कि प्रोखाता का जो कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटर है वो सारी चीज़ एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे रोल्स असाइन किए जाते हैं जिसके बेसिस पे आपको जो नेटवर्क कंपोनेंट्स है उसके एक्सेस मिलता है। कर्बोरोज यहाँ पे परमिशन प्रोफाइल के हिसाब से वो जो जो उनको एक्सेस मिलना चाहिए वही देता है। जैसे अगर आप इसको और एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, जैसे अगर आपने लेक्चर नहीं खरीदा है तो आपको क्विज का एक्सेस नहीं मिलेगा। क्विज का एक्सेस तभी मिलेगा जब आपने वो चीज़ परचेस करी है। तो ये चीज़, ये जो नियम है, ये जो रूल है, वो कहीं ना कहीं तो लिखी होगी, और वो ऑथेंटिकेशन जब आप लॉगिन करते हैं तब वो मिलता होगा, तब तो वो एक्सेस वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बैकएंड में जो काम करती है वो यहाँ पे ये कर्बोरोज कहलाती है। तो ये कर्बोरोज हो गया। टू एकम्प्लिश दिस द ट्रस्टेड कर्बोरोज सर्वर, अब जो ट्रस्टेड कर्बोरोज सर्वर रहता है वो टिकट्स इशू करता है यूज़र को, और दिस टिकट्स हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन एंड आर स्टोर्ड इन द यूजर्स क्रेडेंशियल कैशे। तो आपके कैशे में जाके ये चीज़ें सेव हो जाती है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ, कई बार अगर वेबसाइट में अगर कुछ इशू आ रहा है कि आपको लॉगिन करने में या क्विज नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप उसको लॉग आउट करें, कुकीज़ रिमूव डिलीट करें, या फिर लॉग आउट करके लॉगिन करें, या फिर आप ड्रैग टू रिफ्रेश करें। तो ये सारी चीज़ें मेरे बोलने का कारण यही रहता है क्योंकि यहाँ पे ये सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती है जिसके कारण हो सकता है कि कहीं कोई दिक्कत आ जाए। तो उसके लिए अगर आप इस तरीके से अगर कोई कुकीज़ डिलीट करते हैं, कैशे रिमूव करते हैं, तो ये दिक्कत सॉल्व हो जाती है। ये पूरा फ्रेमवर्क रहता है जिसको हम कर्बोरोज बोलते हैं। अब लास्ट पॉइंट इसको हम देखते हैं कि सिंगल साइन ऑन की वीकनेस क्या है। तो वीकनेस ये है कि वन पासवर्ड इज कॉम्प्रोमाइज, द अटैकर कैन हैव एक्सेस टू ऑल द प्रिविलेजेस, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हैज लेगेसी एप्लीकेशंस दैट कैनॉट बी प्लग्ड इन विद SSO, TDS एंड प्रोन टू ह्यूमन एरर्स। अब देखिए ये कुल मिला के बोलना ये चाह रहे हैं कि सिंगल साइन ऑन की वीकनेस ये है कि आपका पासवर्ड अगर एक बार कॉम्प्रोमाइज हो गया तो हर जगह उसको एक्सेस मिल जाएगा। मतलब अगर गूगल का पासवर्ड किसी को मिल गया, अगर आपके गूगल ID का पासवर्ड, तो वो फिर हर एक प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें जब भी सिंगल साइन ऑन यूज़ किया जाए तो उसको प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है।